फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले जा रहे हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग सॉल्यूशन लगाने जा रहे हैं, है ना, आर डी शर्मा बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 16 का, है ना। इसमें क्वेश्चन दे रखा है 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोलाना है 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मेरा मेन मोटो क्या रहेगा, टेन को एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेन को साइन कोस बनाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लाते हैं इसको साइन कोस में, यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे साइन स्क्वायर, टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस साइन को हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय वन, ठीक है। तो दोनों में से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है, बाहर निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा को, ये बचेगा वन बाय कोस स्क्वायर, वन बाय कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे वन बाय वन मतलब वन बचेगा, ठीक है। तो वन बाय वन लिख सकते हैं आप इसको। अब इसका अंदर में एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा और नीचे में आप इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर नीचे में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एलसीएम लेने के बाद बनेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है और नीचे में कोस स्क्वायर है, तो अगर हम टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टेन ये कोस स्क्वायर को टेन लिख टेन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा मेरा टेन स्क्वायर रहेगा, टेन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर एच एस, और ये हमको लाना था, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है। ओके okay, तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या देखते हैं। ओके okay, फिर 18 में देखिए सवाल क्या है, 18 में सवाल दे रखा sec थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा माइनस cos थीटा, ये इक्वल टू हमको लाना है tan स्क्वायर थीटा माइनस का ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज हमको लाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर लेते पहले, तो आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर, पता आपको ये फॉर्मूला सेक टेन का फॉर्मूला, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको रिजल्ट तो लाना है टेन और साइन में लाना है, तो इसलिए हमने इसको टेन और साइन में कन्वर्ट किया, कोशिश क्या करने का। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखिए वन प्लस का टेन स्क्वायर माइनस का वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो कट जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, और ये हमको लाना है, ठीक है, ये आर एच एस होगा, ये आर एच एस है, और ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्या है, वन प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय वन माइनस कॉस थीटा, ये सवाल है। ओके तो देखिए इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, एक एक करके कैसे प्रूव करते हैं इसको, देखिए अब एलएचएस को सॉल्व करेंगे हम इसमें, ये मेरे पास वन प्लस सेक क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा, और सेक क्या होगा ये वन बाय कॉस, ठीक है, यही होगा। इनका हम एलसीएम अगर ले ले तो क्या बनेगा मेरे पास, कॉस थीटा प्लस वन बाय कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई वन बाय कॉस थीटा, ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनता है ये मेरे पास, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऊपर ये नीचे आएगा ना, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो कॉस कॉस कट जाएगा डिवाइड करने के बाद, क्यों बना कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है। अब कॉस थीटा प्लस वन है तो इसको आप चाहे तो
रेशनलाइज कर सकते हैं या आरएचएस को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आपको रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या बनने वाला देखिए। हालांकि अभी आगे इसको सॉल्व नहीं करना था, इसको सॉल्व करना था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आगे भी इसको भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा आपको 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड में नीचे में आएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस क्या होता है, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा आपको 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो क्योंकि हमको देखिए नीचे में 1 माइनस कोस देखा था, इसलिए हम नीचे में 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो मेरा क्वांटिटी बना ये आरएचएस हो गया और ये हमको लाना था, ठीक है। आगे देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते क्या है वो। ओके आगे सवाल है 35 में, देखिए ये sec थीटा माइनस tan है, sec a माइनस tan है डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस tan है इक्वल टू, हमको लाना क्या है cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमको लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लाते हैं, ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, तो LHS को सॉल्व करते हैं, है ना। तो LHS में क्या है मेरे पास, sec को अगर हम तोड़े तो 1 बाय cos होगा, माइनस sin को तोड़े तो ये sin थीटा बाय cos थीटा होगा, ओके। और बाकी का ये इसको हम तोड़े sec है, हाँ ए लिख लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है। अब यहाँ पे sec को तोड़ेंगे 1 बाय cos ए होगा, प्लस tan को तोड़ेंगे तो ये होगा मेरे पास sin a बाय cos ए। अब फिर इसको देखिए रिजल्टेंट ये क्या होगा मेरे पास, ये 1 माइनस sin ए अपन का क्या बनेगा, ये cos ए से cos ए दोनों का एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, cos ए रहेगा और नीचे में इसका क्या बनेगा 1 प्लस साइन है और नीचे में क्या बनेगा कॉस है, तो कॉस है कॉस है तो कट जाएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा इन्वर्ट करके, तो ये ऐसे 1 माइनस साइन है करके डिवाइडेड बाय कॉस है इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा कॉस है अपन 1 प्लस साइन है, ये तो कट जाएगा कॉस है कॉस है, तो बता क्या 1 माइनस साइन है अपन का नीचे का 1 प्लस साइन है। अब हमको क्या दिख रहा है देखिए, नीचे 1 प्लस साइन का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस साइन का, ठीक है, और यहाँ भी 1 प्लस साइन हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन दो बार है नीचे में, तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, बाकी यहाँ पे 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर, तो ये बनेगा आपको कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन है मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर जो है ये तो वही रहेगा, तो ये हमको लाना था प्रूव करना था इक्वल टू आरएचएस, तो ये हो जाता प्रूव, ठीक है। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके 14 देखिए सवाल क्या दे रखा है, 14 में ऐसा सवाल ये है ना, 1 माइनस कोस से अपन 1 प्लस कोस से, ओके ओके, तो 14 में सवाल है 1 माइनस कोस से अपन 1 प्लस कोस से, ठीक है, इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस एक्स ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन क्या था, आगे अगर ये टूटेगा नहीं एलएचएस तो
इसको हम रैशनलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे रैशनलाइज करने का, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, या फिर इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस से एलएचएस ले आइए, दोनों एक ही पास हो, ठीक है। तो आप आरएचएस को भी एलएचएस में ला सकते हैं ना, तो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, है ना। तो सीधा जैसे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पास एलएचएस या आरएचएस को एलएचएस लाना, क्योंकि देखिए ये कोर्ट में पॉसिबल कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा होता है ना, उनको हम ज्यादा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अदरवाइज इसको भी इसमें ले आएंगे, देखिए आप करके, तो आरएचएस हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो कोर्ट को लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस ए अपन साइन ए, माइनस कॉस ए को हम लिखेंगे यहाँ पे वन अपन साइन ए, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, कॉस ए माइनस वन अपन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको हम ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लाना क्या है हम उसको भी देखते हैं, वन माइनस कॉस ए अपन वन प्लस कॉस ए के फॉर्मेट में भी लाना है, इसको भी हमको देखना है, ओके। तो क्या करें इसको हम, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगी, ये आपको बनेगा कॉस ए माइनस वन का होल स्क्वायर रहेगा, और नीचे में बनेगा साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को कॉस में कैसे तोड़े हम, ये टूटेगा कॉस ए माइनस वन, ठीक है, का होल स्क्वायर है, मतलब कॉस ए माइनस वन दो बार होगा ये। नीचे में क्या, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, है ना, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बना मेरे पास यहाँ पे, अब देखिए इसको कॉस ए माइनस वन लिखिए या वन माइनस कॉस ए लिखिए, दो बार एक ही बात होगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है। ए माइनस बी का आप होल स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे बी माइनस ए का होल स्क्वायर कीजिए, है ना, दोनों सेम ही चीज होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव बन जाएगा, तो वही बात इसमें भी है। तो वन माइनस कॉस ए लिखिए या कॉस ए माइनस वन लिखिए, बात एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं लिखने के लिए, ताकि नीचे वाला जो है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस ए माइनस वन है, तो इसको दोनों को उल्टा लीजिए, वन माइनस कॉस ए टू यहाँ पे वन माइनस कॉस ए, या फिर आप ऐसे सोचिए दोनों में से माइनस निकाल लिए कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे भी माइनस वन निकाले तो ये वन माइनस कॉस ए होता, इससे भी वन निकाले वन माइनस कॉस ए, दोनों मल्टीप्लाई वन होगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए। अब देखिए कुछ कटेगा आपको, ये दोनों कट जाएगा, तो वन माइनस कॉस ए अपन वन प्लस कॉस ए, तो ये हमको लाना था एलएचएस, दैट इक्वल टू एलएचएस, प्रूफ हो गया। अब एक बात समझिए कि अगर आपको यहां से रिवर्स चलना था, यहां से यहां तक चलना था, तो क्या करते हैं, इसको पहले रैशनलाइज करते, वन माइनस कॉस ए अपन वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और बाकी फिर क्या करते, इसके ठीक उल्टा यहां पे चलते, ठीक है। उसके बाद ये वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर होता, और ये वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होता, फिर दोनों में से माइनस कॉमन लेते, ये सॉरी दोनों में से स्क्वायर कॉमन लेते, ये बनता, अलग लिखते थे, ये बन जाता, तो उल्टा भी हम चल सकते थे, मतलब इसको प्रूव करना था ये, तो यहां से चलते यहां से चलिए उल्टा यहां तक, तो ये प्रूव हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगा उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और अगर ना टूटे तो दोनों को तोड़िएगा बारी बारी करके, सिंप्लीफाई होकर दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक भी प्रूव हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, उसको हम देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मेरे पास फिर नेक्स्ट है 47 का फर्स्ट, देखिए क्या क्वेश्चन है, वन प्लस कोस ए थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा इक्वल टू लाना है वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे मेथड है देखिए, अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं। पहला मेथड तो है इसको रैशनलाइज करना, इस पूरा क्वांटिटी को ए मानिए,
ठीक है, इसको बी मानिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ए बी मानने के बाद फिर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उस स्टेप से फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, टेन में कन्वर्ट करने के बाद ये और आपको इजी बन जाएगा, मतलब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, कोस से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो टेन और सेक में कन्वर्ट हो जाता है ये चीज, ठीक है। तो टेन और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आप कैसे बनाइएगा, देखिए जब भी तीन तीन रेशियो आए, है ना, यहाँ ऊपर सब प्लस में, यहाँ नीचे एक वाला माइनस, है ना, तो कोशिश कीजिएगा टेन और कोट बनाने की, इसको है ना, टेन और कोट बनाने से आपका ये इजी में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, एलएसएस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, इसमें हम क्या करना चाहेंगे कि सबको डिवाइड देते हैं, ठीक है, साइन थीटा से या कॉस से, ठीक है। तो कॉस से कर लेते हैं क्योंकि टेन बनाना है, वन बाय कॉस हो जाएगा, इसको करें वन बाय कॉस प्लस ये कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, और नीचे में क्या आएगा मेरे पास, नीचे में वही आएगा वन बाय कॉस प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब ये देखिए क्या बनेगा, वन बाय कॉस बन गया सेक, ठीक है, कॉस बाय कॉस बन गया वन, और ये साइन बाय कॉस बन गया आपको टेन थीटा। नीचे में यहाँ पे वन बाय कॉस बनेगा सेक थीटा, उसके बाद कॉस बाय कॉस प्लस वन बनेगा, और ये माइनस थीटा टेन बनेगा। अब क्या करेंगे हम सेक को, ये वन को ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में, क्या आपको पता है वन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ सेक को टेन का स्टोरी चल रहा है, इसलिए हम सेक को टेन इसको ब्रेक किया, प्लस का ये होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसे को टेन ये बच गया। नीचे में कुछ नहीं करना, नीचे में ऐसे ही छोड़ देना हमको, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सॉरी माइनस टेन थीटा प्लस वन, है ना। अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको तोड़ लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस sec थीटा प्लस टेन थीटा ये आएगा, और नीचे में क्या है मेरे पास, वही चीज है sec थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा प्लस वन। अब क्या करना चाहेंगे हम, देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है ना, और यहाँ पे sec थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है, इस दोनों में से सेक और टेन को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक टेन यहाँ पे लिखा हुआ और ये इसके साथ प्लस में है, इसको दो बार लिखे ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू माइनस बी, और ये चीज को यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों में साथ सेक थीटा और टेन थीटा को कॉमन ले रहे हैं, प्लस टेन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और इसके बाद इसमें बचेगा आपको वन प्लस का वन, और नीचे में क्या होगा आपको यहाँ पे ये चीज बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस का वन, ये थीटा है। तो इस चीज आपको दिखेगा ये दोनों बराबर है, तो इसको आप काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ बच रहा है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा को, तो देखिए क्या बनेगा, sec प्लस टेन आपको क्या मिलेगा, वन बाय कॉस टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, अब इसका क्या होगा वन प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये तो हमको लाना था आरएचएस में इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया फुट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझिए कैसे हुआ ये, ठीक है, एक एक करके आप एक बार फिर से देखिए वीडियो को, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगा ये चीज कैसे बना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इसका प्रोक्ट, फिर इजी ही होते हैं। उसका 59 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्री साइन थीटा, ठीक है, प्लस फाइव कॉस थीटा
ठीक है, इक्वल टू 5। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ 5 साइन थीटा, ठीक है, हाँ, माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, ये लाना। ओके, तो देखिए इसको बनाने का बहुत सारे मेथड है ना। तो ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन, इसको हम मानते हैं, ये प्रूव करने हमको है, ठीक है। देखिए हमें नहीं पता कि ये 5, ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होगा, तो हम मान लेते हैं ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, और एक्स को हम 3 प्रूव कर देंगे प्लस माइनस 3, तब भी हो जाएगा मेरे पास। तो ये इक्वेशन को हम 3 मानते हैं, है ना, ये हमको प्लस माइनस 3 प्रूव करना है, ठीक है, एक्स को। तो अब देखिए ये पहला इक्वेशन है और तीसरा को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 1 एंड 3 को स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या होता है, तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 25। नीचे वाला दूसरा क्या होगा, सॉरी 2ab भी आना चाहिए इसको, 2ab भी आएगा प्लस का 2ab, 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू ये 5 कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस में है, ये कॉस आएगा, ठीक है, 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू आएगा 25, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर हुआ है, इधर भी इधर भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना इक्वल टू ये 5 स्क्वायर 25। आप क्या करेंगे, इसको एक्स को ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा 5, ये को पूरा ब्रेक कर लेते हैं फिर उसको लिख लेंगे ना, तो ये बनेगा आपको 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 25 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद है यहाँ पे ये प्लस का 65 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25, ठीक है, ये तो पहला वाला ही स्क्वायर केस इसको, दूसरा तीसरा वाला भी स्क्वायर करके देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये 25 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस 25 ये 9 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस होगा आपको 2ab में 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये तीसरा वाला था। अब ऐड करेंगे इसको हम, देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पे हाँ, तो इसको हमने क्या करा, इसको हमने मान लिया ये सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन किया, t इक्वल टू एक्स कर दिया मान के, लेट ऐसा इसलिए किए, हमको x को प्लस में 3 प्रूव कर देना है, अगर x प्लस में 3 हो जाता है तो मेरे पास जो गिवन क्वांटिटी को प्रूव करना ये इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, इन दोनों में से 25 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं 25, ठीक है, 25 अगर कॉमन आएगा तो क्या कीजिएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसको फिर दोनों में से 9 कॉमन आएगा, 9 ले लीजिए कॉमन, अंदर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा 30 प्लस में 30 माइनस में 25 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये फिर तो 25 1 हो जाएगा, तो 25 बचा प्लस ये 9, ये भी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 3, रूट चलेगा 9 हटने के लिए, है ना, स्क्वायर हटेंगे रूट आएगा प्लस माइनस 3 आ गया, तो एक्स का मतलब प्लस माइनस 3 आ रहा है, तो हमें क्या सकते देयर फोर दिस इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है, तो ये मैं प्रूव हो जाता है। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा भी इसका मेथड है प्रूव करने का, अगर आप एग्री नहीं है मतलब ये कोई ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप दूसरा भी मेथड देखिए, उनको भी हम
ठीक है, एक्चुअली ये इजी है थोड़ा उनसे, है ना। तो आप दूसरा भी आपको मेथड बता रहे इसका सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए आप कैसे सॉल्व होता है वो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर क्या करते हैं हम इसको, है ना, हम इसको दूसरा मेथड से बोल सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड हम क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, है ना। 3 sin थीटा + 5 cos थीटा इक्वल टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, है ना। तो क्या आएगा देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है 9 sin² थीटा आएगा, प्लस 25 cos² थीटा आएगा, प्लस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा इक्वल टू 25 आएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए जो साइन में उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए साइन वाला जो है कॉस में आया, कॉस वाला जो है साइन में आया, ठीक है, उल्टा है, मतलब 3 वाला जो है प्लस साइन में, ये 3 आया कॉस में, जो 5 कॉस में ये आया साइन में, तो आप कॉस को साइन में कर लीजिए कन्वर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, और साइन को कॉस में कर लेंगे, ठीक है। तो 9 टाइम क्या होगा आपको यहाँ पे मिलेगा 1 cos² थीटा, ठीक है, ये मिलेगा आपको यहाँ पे 25 cos² थीटा, है ना। तो प्लस आप कर लीजिए यहाँ पे 25 × 1 − sin²θ, यहाँ पे प्लस 30, तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये 9 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस यहाँ पे आएगा 9 cos²θ, ठीक है, यहाँ पे प्लस 25 − 25 sin²θ, ठीक है, प्लस का 30 sin θ इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 25 भी, ठीक, यहाँ तक। अब देखिए 9 cos², 25 sin² और ये इन सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे जो 9 है ना वो 25 मिलकर 34 बन जाएगा, तो 34 माइनस इन सब में से कॉमन ले रहे तो बचेगा 9 cos², ये बचेगा आपको प्लस 25 sin²θ, और यहाँ पे ये 30 वाला प्लस में तो माइनस 30 sin θ × cos θ, ठीक है, ये आपको बनेगा इक्वल टू 25। आप इसको उधर भेज दीजिए 34 को, तो उधर आपको माइनस 9 आएगा, ठीक है, 34 उधर जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 9 cos² थीटा को 3 cos² थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम, 25 sin²θ को लिख सकते हैं 5 sin θ का होल स्क्वायर, अब कुछ जाना जाना ही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 34 को उधर भेजेंगे माइनस में 3 cos θ − 5 sin θ का होल स्क्वायर, उधर जाके माइनस आएगा 34 उधर जाएगा तो माइनस होगा माइनस 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो अब आप कह सकते हैं ठीक है ये आपको मिल रहा है, तो 3 cos θ − 5 sin θ का स्क्वायर अगर आएगा तो रूट आएगा, है ना, तो हटा दीजिए और कह सकते हैं हम यहाँ पे 3 cos θ − 5 sin θ, ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू आएगा √9, रूट 9 क्या होता है प्लस माइनस 3 8 होता है, तो इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको देख लीजिए जो भी मेथड अच्छा लगा, दोनों मेथड में से किसी से आप बना सकते हैं, दोनों मेथड सही है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आपको अच्छा लग रहा है। तो 62 में क्या दे रखा सवाल है ना, इसको देखते हैं हम, tn इक्वल टू दे रखा मेरे पास साइन पे पावर n थीटा प्लस कॉस पे पावर n थीटा, ऐसा tn इक्वल टू दे रखा है। हमको क्या मांगा गया, पूछा गया है हमको, we need to prove that t3 − t5 / t1 इक्वल टू t5 − t7 / t1,
T3 ये इक्वल होगा, ये इक्वेशन हमको इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 3, 5 और 1 की बात कर रहे हैं, तो T3 निकालेंगे। T3 क्या होता है, पहले T3 का वैल्यू आएगा मेरे पास, n की जगह हम 3 रखेंगे, तो साइन पावर 3 प्लस कॉस पावर 3 थीटा ये आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे T5। T5 क्या होता है, n की जगह हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो देखिए, फाइव थीटा प्लस कॉस पावर 5 थीटा। ठीक, T1 की बात करेंगे, T1 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, T1 इक्वल टू साइन थीटा पावर 1 रख देंगे नीचे का प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब एक बात हमको T3 माइनस T5 करते क्या आ रहा है, तो T3 माइनस T5 करेंगे क्या होगा, T3 है T5 है, तो साइन पावर 3 थीटा माइनस होगा साइन पावर 5 थीटा। ठीक है, और यहां पे कॉस ऑफ 3 थीटा और यहां माइनस होगा कॉस पावर 5 थीटा। इन दोनों में से साइन 3 कॉमन लीजिए, साइन 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा प्लस, इन दोनों से कॉस क्यूब कॉमन लीजिएगा तो आपको यहां मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बनेगा आपको कॉस और ये बनेगा आपको साइन। ठीक है, तो ये बनेगा आपको साइन 3 थीटा भी यहां पे इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बनेगा प्लस, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करें तो बनेगा आपको कॉस 3 थीटा इंटू साइन यहाँ पे स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज हमको दिख रहा है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर निकाल लीजिए क्या बनता है, ये बनने वाला आपको साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर निकालिए, इसमें साइन बचेगा और इसमें कॉस बचेगा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा। ये तो T3 प्लस T5, T3 माइनस T5 हो गया। अपन अगर हम T1 करें तो क्या बनता है, देखिए T3 माइनस T5 अपन T1 करें तो T3 माइनस T5 का वैल्यू हमको ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे में क्या होगा T1 का वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसको पुट करेंगे तो ये कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट ये वैल्यू है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास क्या आएगा, इसको हटा देते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास, इसका वैल्यू आया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको हटा लेते हैं इस पार्ट को, ये वैल्यू निकालने के लिए ऐसा किए थे। अब यहाँ पे हम 5, 7 और 3 की बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको क्या निकलता है वो। आगे देखेंगे हम T5, देखिए क्या T5 की बात करेंगे तो हम यहाँ पे साइन टू पावर 5 थीटा और यहाँ पे प्लस कॉस पावर 5 थीटा। उसी तरह T7 की बात करेंगे, T7 क्या होगा मेरे पास यहाँ पे साइन पे पावर 7 थीटा प्लस कॉस पे पावर 7 थीटा और T3 क्या होगा साइन पे पावर 3 थीटा प्लस कॉस पे पावर 3 थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब वही करेंगे T5 माइनस T7 का वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते पहले। तो T5 ये T7 ये, तो T5 में ये साइन पे पावर 5 थीटा माइनस इसको कर रहे हैं तो माइनस साइन पावर
सेवन थीटा प्लस ये होगा, इसमें से ये माइनस जाएगा, कॉस पावर फाइव थीटा माइनस कॉस पावर सेवन थीटा। ठीक है, तो इसमें से फिर कॉमन लेंगे हम क्या, साइन पावर फाइव थीटा, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस इन दोनों से कॉस पावर फाइव थीटा हम कॉमन लेंगे, तो इनमें से आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से ये बन जाएगा कॉस, वो बन जाएगा साइन, तो साइन पे पावर फाइव थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पावर फाइव थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो ये आ गया मेरे पास, किसको सॉल्व कर दिए तो ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब इन दोनों में से यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन लेते हैं, कॉस पावर साइन फाइव है और यहाँ पे कॉस टू है, इसमें से कॉस फाइव साइन टू है, तो देखिए दोनों में से पावर क्या है, दो वाला कॉमन आ जाएगा, दोनों में से दो दो कॉमन ले सकते हैं, दोनों जो है लोएस्ट पावर टू है, तो साइन में पावर टू इंटू कॉस पावर टू थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी इसमें बचेगा साइन पावर थ्री थीटा प्लस इसमें बचेगा कॉस पावर थीटा, ये आ रहा है, ये तो टी फाइव में टी सेवन वैल्यू आया। अब हम टी सिक्स डिवाइड भी करना है इसको, तो देखिए क्या आता है मेरे पास, टी फाइव माइनस टी सेवन बाय टी थ्री, ठीक है देखते क्या आ रहा है मेरे पास, तो टी फाइव माइनस टी सेवन ये आ रहा है, पूरा लिख लेते इसको, साइन फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा, मतलब कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, और नीचे में आएगा टी थ्री, टी थ्री का वैल्यू आपको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, तो देखिए तो कट जाएगा फिर से साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बचेगा, है ना, तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू साइन क्यूब कॉस स्क्वायर, है ना, ये चीज आ रहा है, तो इसका वैल्यू आज आप आगे हमको साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या सकते हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों का वैल्यू यही आ रहा है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू यही आ रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर टी थ्री माइनस टी फाइव अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी सेवन, और ये टी फाइव माइनस टी सेवन अपॉन टी थ्री, ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, है ना, आपको फिर से समझ में आएगा पूरा डिटेल में, ठीक है, तो ओके फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, ओके देखिए 65 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 65 को 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में मेरे पास वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो हम क्या बोले हमेशा कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है, साइन कॉस जब भी ऐसा कन्वर्ट में आवे ना, वन साइन कॉस के टर्म में जब भी आवे सवाल तीन टर्म में आवे, तो या तो साइन बनाइए इसको या तो कॉस बनाइए, है ना, कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए बनाने में, ठीक है, तो आप जो चाहे बना सकते हैं ना, तो क्या करें हम इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो लाना कॉस में तो कोट में कन्वर्ट कर लेते ज्यादा इजी रहेगा, तो क्या करते हैं कोट में बनाने के, इसको हम ये लाना इक्वल टू क्या है, वन माइनस कॉस थीटा अपन का वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज लाना हमको, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओके, तो अब क्या करें इसको हम यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ किससे, कॉस से, ओके इसका हॉल स्क्वायर है, सॉरी हॉल स्क्वायर, ओके ठीक है, ये हॉल स्क्वायर है, चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा से या साइन से कर लेते हैं, कॉट में कन्वर्ट करना साइन से कर लेते हैं, तो वन बाय साइन थीटा प्लस साइन बाय साइन वन हो जाएगा माइनस कॉस बाय साइन कॉट थीटा हो जाएगा, इसको भी करेंगे वन बाय साइन, वैसे वन बाय साइन को आप कोसेक ही लिख देते डायरेक्ट,
साइन बाय साइन वन हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू। अब देखिए सेक थीटा प्लस वन हो गया, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा डायरेक्ट, वन बाय साइन को सेक थीटा, वन बाय साइन को आप लिख सकते सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, वन बाय साइन कॉसेक होता है, ठीक है। तो ये होगा कोसेक थीटा, है ना, ये भी कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, वन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे वन को, क्या यहाँ पे आपको आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे में प्लस है, और वन को तोड़ेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला क्वांटिटी एज इट इज है, इसका होल स्क्वायर भी है, इसको भूलना नहीं है होल स्क्वायर को, अदरवाइज पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसको कैसे तोड़े हम, जो कि कोसेक ये तो टूटा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, जैसा ही है इसको वैसा ही छोड़ देना, इसका होल स्क्वायर भी है। अब देखिए कोसेक माइनस कॉट, ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो इसको ए प्लस माइनस बी में निपटा देते, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू, ये करते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसके बाद हम यहां शुरू करेंगे प्लस वन, ठीक है, और ये प्लस कॉट थीटा। अब क्या करेंगे देखिए यहां पे, हाँ सॉरी प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस है ना, इसको भूलना नहीं, ये चीज आया और यहाँ बीच में प्लस है, और इसको ब्रेक करके रखे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। अब दोनों में से ए माइनस बी देखिए कॉमन आ रहा है, इसको निकाल देते बाहर, क्या रहा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दोनों में से निकाल देते कॉमन। इसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे, इसके अंदर बचेगा वन बचेगा इसमें, ठीक है, और ये तो निकल गया, बचाइए इसका स्क्वायर भी है होल स्क्वायर भी है, ये चीज हम बार बार भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। नीचे वाला का भी, नीचे वाला भी पूरा टर्म है, ये पूरा हॉल है ना, मतलब इसके साथ भी स्क्वायर ही लगा हुआ है ना, इसको नहीं भूलना। तो ये बना वन, ये तो निकल गया कॉमन, इसमें वन बचेगा, इसमें ये तो निकल गया, ये बने प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे में क्या मेरे पास, नीचे में है मेरे पास यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा, तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, पूरा का होल स्क्वायर है। तो देखिए अब ये और ये दोनों कट जाएगा, ये और ये कट गया, दोनों इक्वल था, ठीक बचा कोसेक कॉट थीटा का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना देखिए किस आसान है, क्या बचा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, कोसेक को लिख सकते हैं यहाँ पे ना, क्या वन बाय साइन थीटा, ठीक है, और कोट को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या साइन, ये साइन थीटा, ठीक है, हॉल स्क्वायर रहेगा ये। आगे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो हम आगे मिटा के यहाँ से आगे शुरू करते कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट को आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे किया, इसके बाद हम आपको इसको ब्रेक करके दिखाते हैं, फिर इसको लेके आगे ब्रेक करेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए वन माइनस कॉस का ये होल स्क्वायर बच गया, नीचे में क्या होगा साइन स्क्वायर, नीचे में बचेगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक हम क्वेश्चन में जो है एक चीज प्रॉब्लम हुआ लिखने में, ये अच्छा इसका होल स्क्वायर लाना था, अच्छा देख लेते, नहीं ठीक है ये ओके। अब एक वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस कॉस ही देना, ठीक है, साइन स्क्वायर लिख सकते हम क्या क्या, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब वन माइनस कॉस इंटू वन माइनस कॉस लिख सकते, इसको साइन स्क्वायर लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर, और देखिए वन माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको ब्रेक कर ले वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस में,
ऐसा हो गया, ये दोनों कट जाएगा, बचा ये चीज, वन माइनस कॉस थीटा अपन का वन प्लस कॉस थीटा, और ये तो हमको लाना था ना। मतलब प्रूव हो जाता, ठीक है। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइम नए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है।